Hi, Sanka. Good to see you. What do you want to say about the show? As in the mission? फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच इज़ अ 3D प्लेटफॉर्म. आई थिंक टेक्नोलॉजी और हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी लोगों के लिए, लाइक यू नो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ वर्क बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी बहुत सारे लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए और जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं उनके लिए भी. और प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इतना 3D प्लेटफॉर्म OTT का खुला है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार. तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, आई एम श्योर, एंड इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन. भाई OTT इज द फ्यूचर, मतलब और वो फ्यूचर प्रेजेंट में आ चुका है एक्चुअली. हाँ, OTT जो है वो फ्यूचर है और वो प्रेजेंट में आ चुका है. तो ऐसा है कि जो लोग अभी बाहर थिएटर में फिल्म देखने जाते थे उसमें से कम 30% लोग घर पे बैठ के देखते हैं OTT पे सेम फिल्म्स. वो थिएटर पे नहीं जाते, वो 2 महीने रुक के वही फिल्म्स यू नो अपने घर पे बैठ के देखते हैं OTT पे. तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ है एंड अपने घर के कम्फर्ट में मैं तो कहूँगा लोगों को कि बाहर निकलो, देखो भाई फिल्म थिएटर में भी देखो, बहुत ज़रूरी है. लेकिन OTT भी कन्वीनियंट है, ठीक है यार, कहीं कोई अगर कोई मेट्रो में जा रहा है अपने ऑफिस, 2 घंटे का रास्ता है तो वो 2 घंटे में फिल्म देख सकता है पूरी. कोई ऑटो में जा रहा है तो वो 2 घंटे में फिल्म देख सकता है. ऐसे चलते फिरते सड़कों पर भी फिल्म देख सकते हैं, तो फिल्म भी देख रहे हैं लोग, काम भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत अच्छी चीज़ है. एक मैं इससे पूछूंगा, वो कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि रिमोट के लिए आपस में भाई बहन लड़ते थे. हम दोनों को बहानों की ज़रूरत नहीं होती, हर रोज़ किसी ना किसी बात पे हमारी बहस ज़रूर हो जाती है. आई डोंट थिंक सिबलिंग्स को कोई भी बहाना चाहिए लड़ने के लिए, कोई भी छोटी मोटी बात. अभी भी हम रिमोट के पीछे भी लड़ सकते हैं, अभी भी लड़ सकते हैं. नॉट मच ऑनेस्टली, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं. यार ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई किसी का गेम इंटरेस्टिंग, मुझे सिर्फ सलमान भाई को देखने में मज़ा आता है और मैं सलमान भाई को देख के ही खुश होता हूँ बहुत. एंड उसके अलावा आई थिंक द शो इज़ डूइंग वेल, अच्छा चल रहा है और जो भी बेहतर होगा, जो भी अच्छा होगा वो जनता के दिलों में छा जाएगा, समा जाएगा और आई होप वैसे ही हो. क्या उस घर को मिस कर पा रहे हो? बहुत मिस करता हूँ मैं उस घर को यार, मतलब ऐसा लगता है कि अपनी एक जान वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ मैं. ये नई जिंदगी शुरू हुई है उसके बाद से, यू नो उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ होता है ना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर AD और BC होता है हमारे टाइम्स में, तो वैसा फील होता है मुझे. तो मेरे 2 गाने नए आ रहे हैं लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जब बताएंगे तो आप ऐसे ही हम लोग मिलेंगे फिर दोबारा. देखिए मुझे लगता है कि जितना हमारी फिल्म इंडस्ट्री जितनी हाईलाइट होगी, जितनी अपग्रेड होगी उतना अच्छा है. और OTT वालों को तो स्वागत है क्योंकि बड़े बड़े OTT वाले बड़े बड़े को साइन करके बैठ गए हैं. अभी हमारी फिल्म आई है गाली गलौज, उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि फिल्म जो है साफ़ सुथरी फिल्म है. गाली गलौज फिल्म का नाम है, उसमें गाली गलौज नहीं है. स्टैंड अप कॉमेडी में जो गंदगी आ गई है उसके खिलाफ फिल्म है, लेकिन उस फिल्म के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है. बहुत सारे OTT वाले बोल रहे हैं कि शेयरिंग बेस पे दे दो, अगर कुछ आएगा तो मिलेगा. मैंने कहा भाई कभी मिलता नहीं है, लेकिन अगर नए नए OTT वाले आ रहे हैं तो शायद उससे तो नए नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फ़ायदा होगा और हमारी गाली गलौज फिल्म को भी फ़ायदा होगा, ये ऐसा मुझे लगता है. और जो भी आए हैं मैं स्वागत करता हूँ और ऐसा लगता है कि अब समय बदलने वाला है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप सब जियो हज़ारों साल, हैप्पी न्यू ईयर ऑल माई डियर, लव यू ऑल. भाभी को कैसे भूल सकते हो, कितनी बेइज्जती करते हो तुम लोग मेरी कसम से. हंटर को ना करना पड़ेगा ऐसे. तो हंटर आज हम यहाँ पर है
Well, first and foremost, I want to congratulate Mr. Mukesh Modi. Being an NRI, he has opened a platform for global, which is Hollywood and Bollywood both, and it's a 3D. So that's something to look forward to, because 3D jo hota hai, wo hum log bade parde pe cinema mein dekhte hain, par agar wohi hum apne mobile phone pe tab pe ya computer pe dekhenge, or maybe a TV like that, so that's a plus point about it. Aur वैसे उनके नाम में मुकेश भी है और मोदी भी है, तो दोनों ही अच्छे नाम हैं, तो आई विश हिम ऑल द सक्सेस, तो ही डजंट नीड इट टू बी ऑनेस्टली, बट येस वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड थैंकफुली ही विल बी गिविंग मोर एक्टर्स जो नामचीन नहीं है उनको भी एक मौका मिलेगा, सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. भाई बाइट करना, इधर पीछे ही आना पड़ेगा, जो पीछे भाई टाइम तो यार तेरा हट ही नहीं रहा है, तो सबको पीछे बुला लो भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ. प्रतीक भाई, प्रतीक भाई टूट पड़े हैं रे, मैं ही मिला भाई, ना देखना आगे. प्रतीक भाई, प्रतीक भाई सामने सामने भी बेहतर होगा, भी अच्छा होगा, वो जनता के दिलों में छा जाएगा, समा जाएगा. और क्या उस घर को मिस कर पा रहे हो? बहुत मिस करता हूँ यार, मतलब ऐसा लगता है कि अपनी एक जान वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ मैं. ये नई जिंदगी शुरू हुई है उसके बाद, फिर उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ, बोलते हैं ना बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर AD और BC होता है हमारे टाइम में, तो वैसा फील होता है मुझे.